भरतपुर पुलिस रेंज के सभी 6 जिलों में अपराधियों को पकड़ने के लिए 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन में संचालित किए गए इस अभियान में पुलिस की 7 टीमों ने 681 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अभियान के दौरान रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में 1,273 पुलिस अधिकारी और जवानों की टीमों ने 1,309 स्थानों पर दबिश दी। प्रत्येक माह में भरतपुर रेंज में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत चलाई जाती है और इस महीने में भी हम लोगों ने 31 अगस्त और 1 सितंबर इन 2 दिनों पे ये अभियान चलाया था, जिसमें कि कुल सभी 6 जिलों ने मिलाकर के 300 टीमों का गठन किया था और इन 300 टीमों ने 1,300 स्थानों पर दबिश दी, जिसमें कि 403 वांछित अपराधी तथा असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया। ये 403 धारा 170 BNSS के अलावा है, मतलब ये वो हैं जो कि किसी मुकदमे में वांछित थे या किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 155 लोग तो वारंटीज हैं जिनके खिलाफ वारंट था, गिरफ्तारी वारंट था या स्टैंडिंग वारंट था या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे। 10 हिस्ट्री शीटर हैं जिनमें कुल गिरफ्तारियों में 13 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और 68 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनको कि नए प्रकरणों में आबकारी एक्ट के दर्ज हुए, आर्म्स एक्ट के दर्ज हुए, उसमें गिरफ्तार किए गए हैं।